एक तरफ अमृतपाल की हर जगह तलाश की जा रही है, वहीं उसके खिलाफ सबूत इकट्ठे करने में भी पुलिस लगी हुई है। अमृतपाल के बारे में एक बड़ा सुराग उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में मिला था, लेकिन कमाल की बात, जब तक पुलिस पहुंची वह सुराग ही खो गया। क्या था वह सुराग आपको बताएंगे, लेकिन उसे समझने के लिए पहले अमृतपाल के बारे में बड़ी बात जान लेना जरूरी है। पंजाब का मोस्ट वांटेड अमृतपाल जब से पुलिस से बचकर भागा है, तब से भारत ही नहीं विदेशों में भी उसके लिए छानबीन हो चुकी है। भारत के तमाम राज्यों में उसके बारे में पता लगाया जा रहा है। अमृतपाल बेशक नहीं मिला, लेकिन उसकी तमाम वीडियो सामने आई हैं। उसकी कई वीडियो हैं जिसकी वजह से उसके बारे में पता लगाने में मदद मिल रही है। इसी क्रम में पीलीभीत के एक गुरुद्वारे में भी उसकी सीसीटीवी फुटेज का पता चला था। यह सीसीटीवी फुटेज 25 मार्च के आसपास की बताई जा रही है। इसके बारे में पता चलते ही पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई थी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार लखनऊ से स्पेशल टीम इस फुटेज को लेने पहुंची थी, लेकिन जब तक जांच टीम पहुंची यह सीसीटीवी फुटेज ही गायब हो गया। अब जिस कैमरे में यह फुटेज बताया जा रहा था उसकी फॉरेंसिक जांच की तैयारी की जा रही है। इससे पहले भी अमृतपाल के कई वीडियो सामने आए हैं। वहीं दूसरी ओर अमृतपाल की पत्नी बताई जा रही किरणदीप ने एक मीडिया इंटरव्यू में कहा है कि वह खुद चाहती हैं कि अमृतपाल घर आ जाए। उन्होंने साथ ही यह आरोप भी लगाया कि जिस तरह से अमृतपाल की तलाश की जा रही है वह गलत है। उन्होंने कहा कि अमृतपाल को फंसाया जा रहा है, उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। कुछ दिन पहले ही पुलिस को यह भी पता चला था कि साये की तरह एक दूसरे के साथ रहने वाले अमृतपाल और पपलप्रीत अब अलग अलग हो गए हैं। अमृतपाल और पपलप्रीत अभी तक साथ साथ भाग रहे थे, कई सीसीटीवी फुटेज में भी दोनों साथ दिखाई दिए थे। मीडिया रिपोर्ट्स में तो यहां तक दावा किया गया कि पपलप्रीत ने ही अमृतपाल के भागने में अहम रोल अदा किया। पपलप्रीत को अमृतपाल अपना मेंटर भी मानता है। पाकिस्तान के आईएसआई से पपलप्रीत का सीधा लिंक था। वहीं आईएसआई के साथ मिलकर सारी साजिशें रचने में बड़ी भूमिका पपलप्रीत की ही थी। जांच में सामने आया कुछ दिन पहले पुलिस ने रावलपिंडी पुलिस स्टेशन से अमृतपाल व पपलप्रीत का पीछा करना शुरू कर दिया था। वे दोनों होशियारपुर में किसी चैनल में इंटरव्यू देने जा रहे थे, लेकिन पुलिस को इसकी भनक लग गई। पुलिस को पीछे आता देख अमृतपाल का साथी इनोवा को मारमाइया गांव के गुरुद्वारे तक ले गया, जहां खुद को फंसता देख सभी कार छोड़कर भाग गए। अमृतपाल सिंह ने इस दौरान अपना मोबाइल जोगा सिंह को दे दिया था ताकि पुलिस को गलत लोकेशन मिले और वह भाग सके। इसी के बाद से अमृतपाल और पपलप्रीत अलग अलग हो गए। अब पुलिस दोनों को ही तलाश कर रही है, लेकिन माना जा रहा है कि अमृतपाल ही पुलिस का मुख्य टारगेट है। पाल की तलाश कब तक की जाती है, उसके खिलाफ किस तरह से सबूत इकट्ठे किए जाते हैं, पुलिस कब तक उसे पकड़ पाएगी और कब तक उसकी जांच पूरी की जा सकेगी, ये अब वक्त ही बताएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, जल्द ही नया वीडियो लेकर आपके सामने फिर आएंगे। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, जाने से पहले सबसे ज़रूरी बात, हमारे चैनल न्यूज़ नेशन को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ स्क्रीन पर दिख रहा बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारे नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।